स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास। बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम अपना चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम को आगे प्रोसीड करें। जो हमारा लास्ट लेक्चर थे उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, कोल के बारे में पढ़ चुके और पेट्रोलियम की जो स्टोरी थी कि पेट्रोलियम किस तरह से प्रोड्यूस होता है, कितना उसे टाइम लगता है, किस तरह से वो डेड ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होता है, वो सब पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम हमने पढ़ा था कि जो पेट्रोलियम है वो सिर्फ एक सिंगल सब्सटेंस से नहीं मिलकर बना, बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस इनसे मिलकर पेट्रोलियम गैस एंड सो मेनी। ठीक है, तो अब हम यही पढ़े, इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल एंड लुब्रिकेंट ऑयल। ठीक है, एंड पैराफिन वैक्स, ये वैक्स भी इसी का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये क्या है पेट्रोलियम, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ये इतने सारे चीजों से मिलकर क्या बना है, पेट्रोलियम बना है। नेक्स्ट है रिफाइनिंग। रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है, अब भाई हमें तो पेट्रोल मिलता है, अब जब ये सारी चीजें एक साथ होती हैं तो इनको अलग अलग करना, सेपरेट करना, पेट्रोलियम में से पेट्रोल को अलग करना, डीजल को अलग करना, पेट्रोलियम गैस को अलग करना, इन सब चीजों को अलग करना, सेपरेट करना ही क्या कहलाता है, रिफाइनिंग कहलाता है। तो देखो, रिफाइनिंग द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, इसी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स को अलग करना क्या कहलाता है, रिफाइनिंग कहलाता है। ठीक है, अब ये रिफाइनिंग कहाँ पर होती है, इट इज कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। ठीक है, रिफाइनरी के अंदर पेट्रोलियम क्या होता है, रिफाइनिंग होती है पेट्रोलियम की। अब ये देखो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम, अब देखो पेट्रोलियम के साथ साथ उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं क्या क्या है। फर्स्ट है पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस क्या होती है, जो कि हम किचन सिलेंडर के अंदर यूज करते हैं एलपीजी। एलपीजी का मींस लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, जो हम गैस हमारे स्टोव के अंदर यूज करते हैं वो होती है हमारी पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट है पेट्रोल। आप लोग सभी लोग व्हीकल्स के अंदर जो क्या होते हैं, लाइट वेट वाले व्हीकल्स होते हैं, जैसे स्कूटी, मोटर बाइक्स, इसके अंदर क्या यूज होता है, पेट्रोल यूज होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कैरोसिन। कैरोसिन किसके अंदर यूज होता है, जो क्या होते हैं लैंप होते हैं उनके अंदर कैरोसिन यूज होता है, या फिर जेट एयरक्राफ्ट के अंदर कैरोसिन यूज होता है। नेक्स्ट है डीजल। डीजल कहाँ यूज होता है, ये भी मोटर व्हीकल्स के अंदर यूज होता है, लेकिन ये हैवी मोटर व्हीकल्स के अंदर, जैसे ट्रक, ट्रैक्टर, इनके अंदर यूज होता है, जैसे जनरेटर, तो सिर्फ जैसे डीजल से ही चल पाते हैं। तो नेक्स्ट है फिफ्थ, लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल किसके लिए यूज होता है, लुब्रिकेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स कहाँ पर यूज होती है, जैसे हमारी कैंडल होगी, कैंडल के अंदर जो वैक्स, वैसलीन के अंदर क्या यूज होती है, पैराफिन वैक्स। नेक्स्ट है बिटुमिन। बिटुमिन कहाँ पर यूज होता है, जो हमारे रोड होते हैं उनके ऊपर ब्लैक कलर का जो शाइनिंग सब्सटेंस हम यूज करते हैं वो क्या होता है, बिटुमिन होता है। ठीक है, तो ये थे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, तो जो इसके आगे के बारे में है वो हम पढ़ेंगे नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।